गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आजाद गंगा, योर मैथ टीचर। आई टीच यू टॉपिक कंपोनेंट एट्स ऑफ क्लास एट, चैप्टर नंबर 9, कंपाउंड इंटरेस्ट। स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात आ रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहली बात हम बात करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है स्टूडेंट? इंटरेस्ट होता है अगर हम किसी व्यक्ति से कुछ रुपए उधार लें और उसको बदले में कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़े, और जो एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं उसी को बोलते हैं हम इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मैं कहूँ मैंने किसी को 10 रुपए दिए और मैंने कहा भाई मैं 1 मंथ बाद आपसे 1 रुपए का चार्ज लूँगा, जितने मंथ आप मेरा ये पैसा रखेंगे उतने मंथ के हिसाब से आप मुझे चार्ज वापस देना। तो स्टूडेंट, मैंने मान लिया उसको 10 रुपए दिए और मैंने कहा कि मैं 1 मंथ में 11 रुपए लूँगा। ठीक है, तो स्टूडेंट जो मैं उससे रिटर्न में 1 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूँ उससे, तो वो हमारा क्या होगा? इंटरेस्ट। ऐसे ही कुछ इंटरेस्ट, कुछ अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उसके कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। बस ये है, किसी से हमने कोई भी चीज़ उधार ली और उसके अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा देना पड़े तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं स्टूडेंट। इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं ब्याज। ब्याज से समझ में आता होगा आपको, ब्याज का काम बहुत चलता है लोगों के पास, बहुत सारे लोग ब्याज का बिजनेस भी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज उसी टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं कि इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट एंड वन स्टूडेंट्स। कंपाउंड इंटरेस्ट समझने से पहले हम समझेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है स्टूडेंट? सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जो एक अवधि के लिए हमेशा एक जैसा लगता है। स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको 10 रुपये दे रहा हूँ और पर मंथ आप मुझे 2 रुपये का चार्ज देंगे इस 10 रुपये के ऊपर। ओके, ठीक। तो आपने कह दिया हाँ ठीक है सर, मैंने आपको 10 रुपये दिए, आपने 2 मंथ बाद दिए या 3 मंथ, सपोज डेट आपने 1 मंथ बाद दिए तो मुझे आप 12 रुपये देंगे, 2 मंथ बाद दिए तो 14 रुपीज़ देंगे, 3 मंथ बाद दिए तो 16 रुपीज़ देंगे। इट मीन्स अगर जितने मंथ आप रोक रहे हैं उतने ही 2 रुपये मंथ के हिसाब से आप मुझे वापस देंगे। ओके, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है स्टूडेंट? कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि जैसे हमने किसी से कोई रुपए लिए, उधार लिए, और उसने कहा कि अगर आपने एक महीने बाद मुझे इतने रुपए के हिसाब से वापस कर दिए तो ठीक है, अगर नेक्स्ट मंथ आपने मुझे वापस किए, 2 मंथ में वापस किए, तो जो मेरा ब्याज है उस पर भी मैं ब्याज लगा दूँगा, यानी कि जो मेरा इंटरेस्ट बन रहा है उस पर भी मैं इंटरेस्ट लगा दूँगा। स्टूडेंट, इट मीन्स जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको 10 रुपये उधार दिए, 10 रुपये पर मैंने कहा 1 रुपये आपको ब्याज पड़ेगा पर मंथ, कितना पड़ेगा? 1 रुपये पर मंथ के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। अगर आपने मुझे 1 मंथ के बाद पैसे दे दिए, 1 मंथ में पैसे दे दिए, तो मैं आपसे 11 रुपये लूँगा। अगर आपने 1 मंथ के बाद मुझे पैसे दिए यानी सेकेंड मंथ में दिए, तो 10 रुपये तो मेरे थे, 1 रुपये मेरा ब्याज का लगेगा, यानी कि फिर तुम 11 रुपये पर ब्याज दोगे, यानी कि फिर आएगा 11 रुपये पे ब्याज लगेगा। फिर अगले मंथ आपने दिया तो 11 रुपये का ब्याज मिलेगा, उसको लगा के फिर उस पर ब्याज लगेगा। तो यानी कि ये है कुल मिला के कि कंपाउंड इंटरेस्ट ये है ब्याज पे ब्याज लगना, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना, वो हमारा कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अब तो कुछ चीज़ें होती हैं, उसके फार्मूलेज हैं, फार्मूला मैं आपको लिख के देता हूँ, कहाँ क्या होता है, कैसे होता है, ये सब आप समझ जाएंगे। आपने सोच देखा ही होगा कि भैया इन्होंने 5% पे दिया, इन्होंने 10% पे दिया, इन्होंने 4% दिया, तो परसेंटेज का मतलब इंटरेस्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट यहाँ देखते हैं जो फॉर्मूला है हमारे पास, ए इक्वल टू होता है हमारा प्रिंसिपल, ए फॉर होता है अमाउंट। क्या होता है स्टूडेंट? अमाउंट, सॉरी एक सेकेंड के लिए मैं रुकूंगा स्टूडेंट। हमारा अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल
प्लस इंटरेस्ट। ओके, क्या होता है स्टूडेंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हमारा होता है अमाउंट। अब हमें इंटरेस्ट जो होता है उसके दो होते हैं, इंटरेस्ट के दो फंक्शंस हैं। इंटरेस्ट के कितने फंक्शंस हैं स्टूडेंट, दो फंक्शंस हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, सेकेंड होता है स्टूडेंट कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है स्टूडेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहां पे जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कंपाउंड जैसे स्टूडेंट कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं सी आई। क्या लिखते हैं स्टूडेंट, सी आई। क्या लिखते हैं, सी आई लिखते हैं स्टूडेंट शॉर्ट में। अब स्टूडेंट सी आई क्या होता है, सी आई होता है स्टूडेंट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, जिसको हम बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं शॉर्ट में ए और इसको बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं पी, यानी कि सी आई इक्वल्स टू ए माइनस पी। सी आई इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट, ए माइनस पी। सी आई इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, ए इज द अमाउंट एंड पी इज द प्रिंसिपल अमाउंट, जिसपे हम जो हमने पैसा उधार लिया है वह उधार दिया है। तो स्टूडेंट इतनी बात समझ में आई, मुझे लगता आ गया होगा। अब इसको एक फॉर्मूले के बेस पे हम निकालते हैं। तो स्टूडेंट अगर हमने कोई अमाउंट है और उसको आर इंटरेस्ट पे दिया है और एन टाइम के लिए दिया है, तो हमारा जो है वो फॉर्मूला बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए या अमाउंट के लिए। तो स्टूडेंट अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास ए इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन टी, आर अपॉन सॉरी 100, आर अपॉन 100 एंड एन इज टाइम, एन इज टाइम वेयर पी इज प्रिंसिपल, ए अमाउंट, आर रेट इन परसेंटेज, इन परसेंट एंड एन इज टाइम। ओके, आई होप समझ में आया होगा। पी इज द प्रिंसिपल अमाउंट एंड ए अमाउंट आर रेट एंड एन इन द टाइम। कहीं कहीं आपको इसमें एन की जगह टी भी लिखा हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा, कैपिटल टी या स्मॉल टी जो भी हो, दोनों में एक ही बात होती है, कंफ्यूज होने की वाली बात नहीं है इसमें। तो स्टूडेंट आई होप ये समझ में आया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है और क्या होता है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे इसी फॉर्मूलेस पे बेस। अभी इसी जो हमने अमाउंट का फॉर्मूला बनाया है उस पर बेस हमने इस क्वेश्चन को करेंगे, अभी करते हैं इनको। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स। क्या करते हैं स्टूडेंट्स एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर वन। एग्जांपल नंबर वन में हमें दिया है कि फाइंड द अमाउंट। स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना, फाइंड द अमाउंट पेबल ऑन रेट 4000 रुपीज फॉर अ पीरियड्स ऑफ 2 years एट द रेट ऑफ 10% पर कंपाउंड ईयरली। स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि हमें 4000 रुपये को जो हमने उधार दिया है उसका अमाउंट निकालना है। अगर 2 साल के लिए हमने दिया हो और कितने परसेंट दिया हो, 10%, और जो अमाउंट लगेगा वो क्या लगेगा, एफपीए यानी कि पर एनम लगेगा, 1 साल के जो लगेगा ब्याज
पर एनम रहेगा। इसका मतलब क्या, पर एनम का मतलब है स्टूडेंट हम एक साल तक तो आपका 20% जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर हम लेते रहेंगे आपसे। लेकिन अगर आपने नेक्स्ट ईयर के लिए लिया तो हमारा जो ब्याज होगा 20% का जो भी ब्याज आएगा उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ के उस पर हम ब्याज लगाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर एनम का दिया है और मैंने आपको अभी अभी इससे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 + r / 100 इंटू पावर एन। अब यहाँ समझ लेते हैं क्या 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 है। स्टूडेंट हमें दिया है प्रिंसिपल, पी हमें दिया है 4000 रुपीज। ओके, एंड टाइम जैसे बोलेंगे टी या एन, एंड हमें दिया है 2 ईयर, एंड हमें रेट दिया है आर, आर दिया है 10%। कितना दिया है स्टूडेंट, 10% दिया है। हमें निकालना है ए, क्या निकालना है स्टूडेंट ए, तो ए इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 + R / 100 और 2 पावर n। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, जो वैल्यू दी है हमें वो यहाँ रखते हैं, ए इक्वल्स टू पी हमें कितना दिया 4000 रुपीज इंटू 1 + ये दिया है 10% / 100 और n दिया है 2 ईयर्स। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ ए इक्वल्स टू मिलेगा हमें 4000 मल्टीप्लाई 10 × 10 = 11/10 2। स्टूडेंट इसको हम खोलेंगे तो 4000 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 बिकॉज पावर इज 2, देन पावर इज 2 देन मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 10। स्टूडेंट 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 4 and 1 to 1 11 की हम अगर 1 to 1 11 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट क्या मिलता है 1 to 1। अब स्टूडेंट हम इसी करेंगे तो 0 4 = 4 4 2 = 8 4 = 4। तो स्टूडेंट हमारा अमाउंट कितना आया 4840। कितना स्टूडेंट 4480। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, अगर हम 4000 रुपये को 2 साल के लिए 10% अगर ब्याज पे दें और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो हमें जो मिलेगा अमाउंट वापस जो मिलेगा वो मिलेगा 4840 रुपीज़। कितना मिलेगा स्टूडेंट 4480 रुपीज़ मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं एक बार इसको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। Find the amount paid beyond the rate 4000 for a period of 2 years at the rate of 10% per annum yearly. Student, हमें दिया है क्वेश्चन में कि आपको अगर 4000 रुपये हम उधार दें और उस पर 2 साल के लिए दें और इस पर 10% का ब्याज लगाया जाए तो आपका जो अमाउंट है वो क्या बनेगा। तो एक स्टूडेंट फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 + r / 100 2 पावर n। यहाँ हमें ए निकालना है, पी हमें 4000 दिया है, ब्रैकेट 1 + r हमें 10 दिया अपॉन 100 और n की पावर कितना दिया 2। तो जैसे इसको कैलकुलेट किया तो कितना है 4840। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड। स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर सेकंड को रीड करते हैं। सबसे पहले फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमसे यहाँ क्या पूछा है सी आई, स्टूडेंट क्या पूछा है सी आई, वहाँ हमसे क्या पूछा था अमाउंट पूछा था और यहाँ पूछा है सी आई। तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रेट 8000 फॉर 3 ईयर्स एट द 5 per annum कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। स्टूडेंट क्या दिया है हमें, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 रुपीज फॉर एट 3 ईयर्स एट द रेट 5% पर एनम कंपाउंड एनुअली। इट मीन्स अगर हम 8000 रुपये को 3 साल के लिए 5% अगर ब्याज पे दें और वो भी कौन से कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो हमारा वो जो इंटरेस्ट होगा सी आई वो क्या होगा, वो हमें निकालना है स्टूडेंट। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है पी
पी इक्वल्स टू कितना दिया स्टूडेंट 8000 रुपीस, कितना दिया स्टूडेंट पी इक्वल्स टू 8000 रुपीस। स्टूडेंट थोड़ा क्लियर नहीं है मैं इसको बोर्ड को क्लियर कर दूं। स्टूडेंट्स पी इक्वल्स टू दिया है 8000 रुपीस एंड टी या एंड एन इक्वल टू दिया है 3 इयर्स एंड आर इक्वल्स टू दिया है 5%। कितना दिया स्टूडेंट 5%। हमें निकालना है सी आई, क्या निकालना है स्टूडेंट सी आई निकालना है। तो सी आई निकालने से पहले हम अमाउंट निकालेंगे फिर उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट ई इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 कैपिटल आर भी हो सकता है स्टूडेंट यहाँ पर स्मॉल आर भी हो सकता है एन भी हो सकता है टी हो सकता है। तो ए इक्वल्स टू पी हमारे पास 8000 एंड 1 प्लस आर हमारे पास 5% और 100 टू दी पावर 3। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो आएगा हमारे पास 20। कितना आएगा स्टूडेंट 20। अब इसको खोलेंगे तो आएगा 8000 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 20 टू दी पावर 3। स्टूडेंट 8000 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 एंड मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 इट मींस 8000 एंड 8000 इज कैंसिल्ड देयरफॉर आफ्टर 21 एंड 21 द कैलकुलेट स्टूडेंट 21 कैलकुलेट जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, मुझे लगता है खूब अच्छे से समझ में आया होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे करने को, वो भी करने हैं।
अंडरस्टैंड। तब तक के लिए बने रहिए हमारे अशोक हमारे मिशन एकेडमी चैनल से जुड़े रहिए, और आपको सीरियल वाइज ही टॉपिक्स की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, और देखते रहिए मिशन एकेडमी का यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।